वीडियो बना रही पैसा गिनते समय। आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि हमारे पास कौन कौन सी बाइकें हैं, तो एक बाइक तो हमने आपको दिखाई दी है। कौन सी बाइक दिखाई थी राहुल? FZ हमने आपको दिखा दी है। और उससे पहले हमने एक बाइक जो हमारी पहली बाइक थी जब हम दिल्ली में काम कर रहे थे, तब हमने एक बाइक सेकंड हैंड खरीदी थी, वो बाइक हमने आपको नहीं दिखाई है दोस्तों। और जब मैं आपको उस बाइक को दिखाऊंगा तब आपको इंजन ऑयल से संबंधित, क्योंकि हमने उसमें जो कर रखा है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप लोगों को काफ़ी आश्चर्य होगा। फिलहाल आप लोगों के प्यार से हमने एक और बाइक खरीद ली है जो कि हमने ओलेक्स से खरीदी है, उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। और सेकंड हैंड खरीदी दोस्तों, फिलहाल बाइक तो एक ही साल चली है, नई है समझ लें आप, लेकिन हमने सेकंड हैंड खरीदी है। और इसके बारे में आपको सारी चीजें बताता हूं, जिस कंडीशन में मैं बाइक खरीद के लाया हूं वही कंडीशन सेम है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है और कल बुधवार के दिन मैं इसको खरीद के लाया हूं इलाहाबाद से। और जिनकी बाइक है उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी कि भाई कोई इलाहाबाद से है, तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए धन्यवाद। एक भाई संदीप भाई है जो, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा थोड़ी सी जान पहचान है उनकी RTO ऑफिस में, क्योंकि ट्रांसफर भी करवाना था, तो वो वहां पर आए, उन्होंने काफी मदद की, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। और लास्ट में उन लोगों की जो जिनसे हमने बाइक खरीदी है वो क्लिप भी डाल दूंगा। और दोस्तों इलाहाबाद हमारे घर से, प्रयागराज समझे, इलाहाबाद आप समझें, तो ये हमारे घर से लगभग कितनी चली थी बाइक? 160, हाँ 160 या 170 किलोमीटर ये टोटल है। और हम वहाँ से बाइक चला के लेकर आए हैं और लगभग 6 बजे हम निकले थे और 10 बजे हम पहुँचे। और उसका कारण क्या है, देर क्यों लग गई, क्योंकि जैसे कि हम ट्रेन से गए थे तो हेलमेट तो लेके गए नहीं थे, तो हमने सोचा था वहाँ पर हेलमेट खरीद लेंगे। तो मेरे दादाजी के एक लड़के हैं, पंकज नाम उनका, तो वो भाई काफ़ी मदद कर रहे थे, वहीं रहते हैं इलाहाबाद में, तो उनसे मैंने कहा हेलमेट खरीदवाना है, लेकिन वो भूल गए और मैं भी भूल गई, तो हम लोग भी भूल गए। तो हम लोग जब थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल आए तो वहाँ हेलमेट की दुकान नहीं थी, तो हमने कहा सोचा चलो आगे खरीद लेते हैं। आगे हम आए तो हेलमेट की कोई दुकान नहीं थी और इतनी ठंडी थी कि सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो हमने सोचा प्रतापगढ़ में ले लेंगे, सुल्तानपुर में ले लेंगे, कहीं मिला नहीं हेलमेट। और हम बिना हेलमेट के सारी चीज़ें बांध के और एक किसी दुकान पर हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, अब हमें कोई कन्फर्म नहीं था कि बाइक मिल जाएगी, तो हम उतना तैयारी से गए नहीं थे दोस्तों, तो बहुत ठंडी लग रही थी, तो पेपर ऊपर लगा के हम किसी तरीके से रात को 10 बजे पहुँचे हैं। जिस कंडीशन में, जो भी टूटा हुआ है, जो भी ख़राब है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस कंडीशन में मैंने बाइक खरीदी है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, सबसे पहले बाइक आपको दिखा देता हूं, उसके बाद लास्ट में मैं आपको जो भी क्लिप है हमारी जो हमने बनाई है, जिनसे हमने बाइक ली है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा और उनके साथ ही मैं पूरी वीडियो की क्लिप डाल दूंगा। तो चलें राहुल जी भाई, तो चलते हैं दोस्तों, आपको बाइक दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है यामा की R15 version 3 जिसको हमने खरीदा है, ये हमारी अपनी बाइक है और ये बाइक है 2018 लगभग जुलाई अगस्त का मॉडल है, तो आप ये मान के चलें कि ये बाइक लगभग 1.5 साल 6 महीने पुरानी बाइक है। कंडीशन इसकी मुझे काफ़ी सही लगी। और इससे पहले आप लोगों ने हमारे ब्लॉगिंग चैनल पर देखा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ लखनऊ बाइक खरीदने, तो वहाँ पर जब मैं लखनऊ जा रहा था तो उस टाइम मैं R15 version 2S खरीदना चाहता था, वो इससे पहले वाला मॉडल था, क्योंकि उसमें स्प्लिट सीट नहीं थी, उसके अंदर पूरी सीट थी जिससे आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बिठा सकते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पर 2 बार गया, लोगों ने दिखाया एकदम बाइक बिल्कुल नहीं है, लेकिन चलाने में एकदम, चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं HF डीलक्स ले लूँगा लेकिन इसको नहीं लूँगा, क्योंकि उनकी कंडीशन सही नहीं थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब R15 version 3 को ही ले लेते हैं। अब मैं इसको आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा कि मैंने यामा की R15 version 3 को ही क्यों चुना, मैं RS 200 भी ले सकता था, मेरे पास पहले FZ है, यामा की बाइक है ही है, तो अब मैंने इसको क्यों चुना, इसको तो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं इस बाइक के बारे में बता दूँ जो कि मैंने सेकेंड हैंड खरीदी है, तो मैं आपको सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो अब ये 1 साल 6 महीने की बाइक है और जितने में मैंने इसको लिया है उतने में मुझे 150 cc की बाइक नहीं मिल जाती दोस्तों, लेकिन मैंने फिलहाल इसको चुना। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी क्या कंडीशन है, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि जैसे कि आप कैसे चेक करेंगे, वैसे मेरी सेकंड हैंड की वीडियो है जिस पे आपको पता चल जाएगा कि सेकंड हैंड लेते समय कैसे चेक करें। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत से लोग ये कहेंगे कि यामा की बाइक पहले थी तब यामा कंपनी वाले तुम्हें दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैंने इसको ओलेक्स से सेकंड हैंड अपने पैसे से नगद, मतलब कि कैश दे के ही खरीदी है, क्योंकि अब सेकंड हैंड में कितनी दूर जाओगे तो कोई आपके लिए बाइक फाइनेंस नहीं करेगा। तो जो भी हो, अब मैं इस बाइक को आपको चेक करवा देता हूँ दोस्तों। ये है हमारी R15 version 3 जो कि हमने खरीदी हुई है और आप लोग इस बाइक के मॉडल को अच्छी तरीके से जानते हैं। फिलहाल मैं आपको साइड से दिखा दूं, आप लोग बताएं कि कैसी लग रही है हमारी, हमें तो काफ़ी अच्छी लग रही है इसलिए क्योंकि हमने खरीदी हुई है। और यही दुनिया और संसार का नियम है कि जिस चीज़ को आप खरीद लेते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिलहाल आप लोग बताएं कि कैसी लग रही है। अब मैं इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं खराब करता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, तो आप लोग कंडीशन देख लें, बहुत ही गंदी दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिट्टी उट्टी लगी है, धूल मिट्टी लगी हुई है, तो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में मैं बाइक को लेकर आया हूँ। और सबसे पहले आप देख लें कि ये टायर
ये टायर जितना चला हुआ है, 9,000 कुछ किलोमीटर ये बाइक चली हुई है, उतना ही है। इसमें ऐसा नहीं कि ये इसमें कुछ कराया गया, क्योंकि जब हम लखनऊ में बाइक देखने गए थे तो वहाँ पर जैसे एक सिस्टम आता है, उससे इस चीज़ को खुरच देते हैं जब बाइक बेचनी होती है, जिससे इसकी ये गोटियाँ गहरी हो जाएँ, इसके जो भी ग्रिप हैं ये गहरे हो जाएँ, जिससे आपको पता लगे कि नया टायर है। तो ऐसा बहुत चीज़ों के साथ होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि 2018 मॉडल बाइक है, 2018 का टायर है। मैं आपको नंबर भी दिखा दूँगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चले। बाकी आप देख सकते हैं कि कंडीशन जो है, जैसे दाग धब्बे इस पर पड़े हुए हैं इस पर, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसी कंडीशन में मैं आपको बाइक दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसी कंडीशन है मैं वैसे ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिलहाल इस बाइक में कोई बहुत ज़्यादा स्क्रैच नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, आप देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा आपको स्क्रैच नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो कहीं कोई स्क्रैच नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना ये बाइक चली हुई है। सबसे पहले आप इसके मीटर में देखेंगे दोस्तों, तो ये बाइक 9,424 किलोमीटर और 700 मीटर टोटल चली हुई है। और मैं इसके ट्रिप मीटर को दिखाता हूँ, यहाँ पर आप इसके ट्रिप मीटर में देखेंगे तो 211 किलोमीटर और 900 मीटर ये टोटल चली हुई है। जो हम इलाहाबाद से कल चला के लेकर आए हैं उतना ही चली है, मतलब यहाँ तो 160 170 था, लेकिन अब हम और भी चला चुके हैं, 40 50 किलोमीटर जो भी है, तो इसलिए इतना चली हुई है। बाकी अगर आप इसके ट्रिप टू में देखेंगे तो 9,424 किलोमीटर ये ट्रिप टू में है। और बाकी फिर से मैं आपको ओडोमीटर दिखा देता हूँ, ओडोमीटर है ये जिसमें 9,424 किलोमीटर ये चली हुई है। तो इसमें जितना ये चली हुई है उतना ही इसका टायर घिसा हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ टूटी हुई है। अब सेकंड हैंड लेने में थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि आप नई ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आप सेकंड हैंड ले रहे हैं, नई नहीं ले रहे हैं। नई जैसी मिल सकती है, लेकिन नई नहीं मिल सकती है। यहाँ पर जैसे कलर वलर उड़ा हुआ है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर कोई आपको जैसे कुछ लोग यहाँ पर चाबियाँ लगा देते हैं तो पूरा यहाँ पर घिस जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बाकी भाई ने मुझे बता के दिया है कि ये चीज़ उन्होंने जैसे इसमें चाबी बनवाई थी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा मुड़ गया है, तो ये उन्होंने चाबी बनवाई थी। बाकी सही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है दोस्तों। और अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने चेक किया था तो थोड़ा सा ये कलर वलर का दिक्कत है, बाकी इसमें कहीं कोई चीज़ टूटी फूटी नहीं है, ये चीज़ सही है इसकी। अब जैसे आप देखेंगे बैठते बैठते कलर वलर उड़ जाते हैं, तो इतना तो मैं करवा लूँगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप नंबर देख सकते हैं, UP70EL1560 जिनकी बाइक है उनके नाम बाइक है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब टायर की बात की जाए तो फिलहाल टायर पिछला भी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि 9,000 किलोमीटर चली है, टायर में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे 2018 मॉडल ये टायर भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप चेक करेंगे। डिस्क पैड मैंने चेक कर लिए हैं, बिल्कुल नए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर से आप चेन इस पॉकेट को देख सकते हैं कि चेन इस पॉकेट भी बिल्कुल इसकी सही है। तो इसमें इंटीरियर में कोई किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। बाकी ये चीज़ इसकी टूटी हुई है दोस्तों, ये हम चेंज करवा लेंगे। ये सारी चीज़ें हम जान समझ के लिए हैं कि जैसे कि लीवर हम चेंज करवा लेंगे, इंडिकेटर टूटा हुआ है तो इंडिकेटर हम इतना तो अब करवाना ही पड़ेगा। बाकी ये पिछला शॉकर भी लीक नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, इसमें कूलेंट थोड़ा सा कम है, और इतना मैं जानता हूँ कि लेने के बाद सर्विस तो करवानी पड़ेगी। हर कोई यही कहेगा आपसे कि भैया हम इसकी सर्विस करवा चुके हैं, लेकिन सर्विस नहीं होती है, तो इसलिए मैं इसका कूलेंट या इंजन ऑयल ये सारी चीज़ें तो चेंज करवा लूँगा। और अगले डिस्क को भी, अगले डिस्क पैड हमने चेक कर लिए हैं, इसके अंदर डिस्क पैड सही हैं, सही लग रही है ब्रेक व्रेक, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। तो अब मैं आपको बाइक स्टार्ट करके इसका साउंड सुना देता हूँ कि कहीं इसके साउंड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता चले जिससे। तो मैं पहले बाइक को न्यूट्रल कर लेता हूँ, क्योंकि न्यूट्रल तो खड़ी नहीं, पहले गियर में है। बहुत अच्छी बात है कि इसमें गियर भी बताता है। और अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप सुन सकते हैं इंजन में कोई भी साउंड नहीं है। अरे मतलब स्टार्ट होगी तो भाई आवाज़ करेगी, लेकिन एक्स्ट्रा कोई साउंड नहीं है। और यहाँ पर आप सुन सकते हैं, मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसमें साइलेंसर में भी, मतलब इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा है। साउंड में मुझे इस बाइक के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो कुल मिला के हमने सारी चीज़ें देख के ली है। अब जैसे कि ये चीज़ हमें चेंज करवाना है, इंडिकेटर यहाँ पर टूटा हुआ है, तो हो सकता है हम इसमें जैसे कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, इसमें जैसे कि यहाँ पर इसमें लगाएँ, विंगलेट लगाएँ या बबल वाइजर लगाएँ, तो ये सारी चीज़ें करेंगे और ये सारी चीज़ें चेंज कर दें। हो सकता है हम उसमें दूसरा लगवा दें जो एडजस्टमेंट वाला है, तो हम ऐसे करवाते रहेंगे। बाकी इसमें शीशे भी मिले हैं और इसका सारे पेपर हैं। हाँ, मैंने वहाँ से NOC निकलवाई है और
और एनओसी निकलवाने के बाद मैं अपने अयोध्या का ट्रांसफ़र लूँगा, तभी सारी चीज़ें मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कि कैसे हमने ट्रांसफ़र करवाई है, क्या क्या होता है, तो मैं आपको सारी चीज़ें वो वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल जो बाइक हमने ली है मैंने सोचा आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। तो बाइक आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, आप लोग बताएं कि क्या मैंने सही किया या गलत किया, और आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको वो वीडियो देखनी है कि मैंने यामाहा R15 वर्जन 3 को ही क्यों चुना, मैं कोई और बाइक चुन सकता था। तो आप सारी चीज़ों को कमेंट में बताएं दोस्तों। और बाकी यहाँ पर अभी पेपर नहीं रखे हुए हैं, पेपर हमारे उसमें बैग में रखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ। मैंने आपको नंबर दिखा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी रखा नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। और नंबर मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप लोग सर्च कर लीजिए मॉडल वॉडल, जिससे आप लोगों को पता चले। तो फिलहाल आप लोगों ने हमारी बाइक देख ली है, आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको लग रहा है मैंने ख़राब किया या अच्छा किया, जो भी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं इलाहाबाद में बाइक लेने आया था, तो इनसे मैंने बाइक ली है, ये अपने भाई हैं और इनसे ही हमारी ओलेक्स पर बात हुई और इनसे मैंने बाइक खरीदी, साथ में ये भी अपने भाई हैं और एक हमारे सब्सक्राइबर जो कि आए संदीप नाम इनका है ना भाई, तो इन लोगों की सहायता से मुझे बाइक मिली R15 वर्जन 3। तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे आदमी हैं। दोबारा आप मुझे क्या देंगे, लड्डू नहीं, ये कह रहे हैं कि मुझे जैसे कि एक मोबाइल देंगे बाद में, ठीक है भाई। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा, उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।